अपने बिजली महादेव के लिए, ये लोकल रास्ता जाता है, कभी बिजली महादेव आओ आराम से चलो, बड़ी कमा के चलता है। ये बताए नहीं सुबह सुबह निकल गए, आपने भी छतरी लेके रखी है। महादेव का एक नाम से ही अलग ही मतलब पहचान है, बिजली महादेव। बिजली जहाँ गिरती है वहाँ पे महादेव बसे। कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हो? बातू खाने। कहाँ जा रहे हो? आज जा रहे हम बिजली महादेव के दर्शन करने। यहाँ से वो पहाड़ी के ऊपर देखने कितना टाइम लगता है। चले फिर। हाँ हाँ चलते। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. लोड था? खाली था। अच्छा अच्छा आगे बजा का देर का टाइम आ गया। हाँ 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 हेलो फ्रेंड्स, ये हम मिडवे में पहुंचे हुए हैं अपने बिजली महादेव के लिए। ये लोकल रास्ता जाता है, कभी बिजली महादेव आओ तो आराम से चलो, सिंगल रोड है, एक्सीडेंटल पॉइंट बहुत है। और ये अपना मनाली एरिया दिखता है उधर पूरा। अभी थोड़ा मौसम धुंधला सा है, अगर बारिश हो एकदम से आए तो यहाँ से पूरा मनाली तक का व्यू दिखेगा। नीचे वैष्णो देवी मंदिर है, यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर उधर टेकली मंदिर है। ये रास्ता देखिए, मतलब जहाँ हम यूजली हर महीने में एक दो बार जाते जाते हैं, ये वो रास्ता यहाँ से पता लगता है कैसे रास्ता है। और ये रह गया अपना कुल्लू शहर, ये ऊपर लग वैली है, यहाँ से नेक्स्ट दूसरी साइड जोगिंदर नगर है। You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. ये माहौल है नीचे ना, माहौल ऊपर तक देखो, माहौल इसलिए कि ऊपर तो काफी क्राउडेड एरिया है। चले चले। किलोमीटर की चढ़ाई है और बहुत ही मतलब नेचुरल नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, साथ ही पौड़ियाँ भी चढ़नी पड़ेगी, थकेंगे भी, लेकिन मज़ा आएगा।
प्रॉपर लेटर है, फैमिली है ना पूरी। ट्वेंटी परसेंट हमने कवर कर लिया है, 80% रास्ता रहता है, ज़्यादा नहीं है, बड़ी अच्छाओं है, बस मज़ा आ रहा है। जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की, हर हर महादेव। कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ पानी मिल जाता है, रास्ते में ठंडा पानी मिल जाएगा, टंकी लगी है। बस एक बोतल आपको साथ लानी है, बस बॉटल तो आपको साथ लानी पड़ेगी, हाथ से पी सकते हैं। आधा रास्ता बीत गया, थक गए भैया, थोड़ा सा और है, बट ये बढ़िया है यहाँ पे, ये वाला पेड़ ना, अब यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा पानी वानी पियेंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे शिव जी से मिलेंगे, फिर आगे भोले से डंडा फेंकता हूँ मैं, पकड़ी उसको राइन की तरह। बचपन में कोई कोई बच्चे जो बिजली महादेव आए थे वो बताते थे स्टोरियां कि बहुत चढ़ाई है और एक तरफ भुंतर आता है एयरपोर्ट, तो बोलते अगर ऊपर से गिरे तो भुंतर पहुंचते हैं। पता नहीं क्या, जब हम आए यहाँ पहली बार देखा मैंने तब एहसास हो नहीं यार, हाई तो है, चलना तो बहुत पड़ता है, अब तो फिर भी हो गई है ट्रांसपोर्टेशन सुविधा, हो गई है ऊपर तक, पहले नीचे से पैदल आना पड़ता था। ऐसे अब बहुत से लोग सैर तरफ आ गए हैं ना, चलना फिरना मुश्किल हो गया। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा गया, इतना भागता होगा तो दिन के 10 चक्कर लगा लेता है आराम से, हम लोग आराम से चले हुए शहर में रहने की। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कहाँ? अच्छा, बंदल ही है। प्राथमिक कक्षा, प्राथमिक विद्यालय बंदल की माध्यमिक पाठशाला, प्राथमिक पाठशाला, इसको दुकान अलग डाल दिया भैया, अपना अपना कमा, अपना पैसा ले और स्कूल जा। बिजली गिरी थी तो सामने जो पेड़ है उस पर गिरी हुई है, ठीक है, तो हर साल गिरती है, तो जो बड़े बहुत ज़्यादा वाली गिरी थी वो नीचे गिरी थी, वो तो पेड़ पोड़ तो पता नहीं होगा, इससे थोड़ी कम रही होगी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल ताजी है। जलेबी खान सकता, बड़ा टाइम हो गया, महीना एक डेढ़ महीना तो हो गया, डाइटिंग की डाइटिंग की नहीं, बीमार हुआ डाइटिंग को फॉलो करने में, मेरे को नहीं डाइटिंग की। ये बताया नहीं, सुबह सुबह निकल गए। हाँ जी ठीक है, हाँ जी हाँ जी, आपके पास स्कूटी है? हाँ जी, यहाँ पर चलो, पता नहीं था अभी आपने आना है ना, बनाते बनाते। हाँ जी हाँ जी, फिर आज छुट्टी थी बोला चलते हैं, मतलब चलो बड़ा टाइम हो गया था। बैठो आराम से, कौन है?
आपने भी छतरी लेके रखी है और उसने भी देखो क्या नाम है आपका मुस्कान रोटी भी तो लाए थे रोटी तो खा ली और जलेबी इधर नहीं खाया आपने पकौड़ी रोटी जलेबी अचार वाह to fade away cause every time I wake up I feel like it's Monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain bijli mahadev naam isliye hai yahan pe shiv mandir hai ye aur bijli mahadev isliye bolte hain kyunki yahan pe bahut pehle kulantak naam ka ek rakshas hota tha aur wo yahan pe usne bahut kahar machaya tha aur ajgar ke roop jaisa matlab uska roop tha तो उसने ब्यास नदी का जो है प्रवाह रोक दिया और इसको जलमग्न करने की सोच रहा था कि मैं इसको पूरा पूरी जो इलाका है यहाँ से लेके रोहतांग से लेके ऊपर तक का मैं पूरा जलमग्न कर दूंगा। तो भगवान शिव ने उसका वध कर दिया और जब उसका वध कर दिया तो उसको जो है उसका जो अजगर है वो पहाड़ के रूप में हो गया परिवर्तित हो गया। तो ये पहाड़ जो है यहाँ से अगर गूगल मैप से भी देखा जाए तो अजगर की तरह दिखती है बिजली महादेव वाली पहाड़ी ऊपर तक। फिर भगवान इंद्र को शिव भगवान ने आदेश दिया कि इसके सर के ऊपर हर 12 साल बाद बिजली गिरानी है। तो यहाँ पे हर 12 साल बाद बिजली गिरती है जो कि यहाँ पर पिंडी बनाते हैं मक्खन की जो पिंडी बनाते हैं वो फट जाती है तो उसको मक्खन से जोड़ा करते हैं यहाँ पर और हर साल बिजली तो गिरती गिरती है इसके आसपास लेकिन यहाँ पे गिरती है 12 साल के बाद और ये बिल्कुल मतलब चमत्कार ही है इसको चमत्कार ही बोल सकते हैं आज की दुनिया में। तो इसलिए पहाड़ों में श्रद्धा बहुत है और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन बिजली महादेव का एक नाम से ही अलग ही मतलब पहचान है बिजली महादेव। बिजली जहाँ गिरती है वहाँ पर महादेव बसे हुए हैं ये यहाँ की स्टोरी है।
हाय मुस्कान, तो कैसा रहा आपका ट्रिप आज का? सिद्धू मूसे वाला हर जगह वही छाया हुआ है, पहाड़ों में फेमस हो गया। इंडिया में जिंदा आदमी को कोई नहीं पूछेगा, जिंदा आदमी की कोई वैल्यू नहीं करेगा, मरने के बाद उसको आप उनसे पूछते हो। आपने पीना? अब नाम बता दो अपना, नाम बता दो अपना। मेरा नाम है चैतन्या। चैतन्या कहाँ जा रहे हो आप? मंदिर जा रहे हो? बातू खाने। बातू तो है बना हुआ। कहाँ से आए आप? हम जयपुर राजस्थान। जयपुर से? अच्छा, हिमाचल घूमने आए हैं। जी जी। कहाँ कहाँ घूमा है? हिमाचल मतलब नेक्स्ट ईयर भी आए थे, इस साल बिजली महादेव कवर करना है। अच्छा, मणिकरण भी? हाँ, मणिकरण। मणिकरण देख लिया? अच्छा, देख लिया मणिकरण। मणिकरण देख लिया, सारा हिमाचल घुमा हुआ है। वेरी गुड। बिजली महादेव अब रिकॉन्ग क्यू जाएंगे? रिकॉन्ग क्यू। हाँ, बहुत अच्छी जगह। ठीक है। बाजी थोड़ा ही दूर है यार, जितने आए उतना तो जाना है। ये भगवान खुद नहीं आते, ये इशारा करते हैं। इशारा करते हैं भगवान को नीचे, आदमी से बात करने की जरूरत नहीं है। कि आदमी से भगवान इतना बड़ा, तो आदमी से थोड़ा बात करे, एक बात है। ठीक है, भगवान के जरिया बनाते हैं, किसी के अंदर आके हमारे को आशीर्वाद देना। मैंने सबको हौसला दिया कि नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रह गया, सबका आशीर्वाद मिला। देखो आंटी बोलते कि भगवान शिव आपके बोले, आपके ऊपर कृपा बना रखे, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये लोग लोगों के मुंह से बुलवाते हैं, खुद तो ना आएंगे भगवान बोलने। सही बात, सही बात, प्रसन्न हो गया। सही बात, मन खुश हो गया यात्रा में ना, सबसे अच्छा पड़ाव था। तो खरीद लेंगे, और ये बॉटल छोड़ देंगे बॉटल। उनको पता होना चाहिए कि पानी की हमारी यहाँ पर रिसोर्सेज है, आपको सिर्फ बोतल लानी है और पानी आप भर के पीजिए। कहाँ है बॉल? अंदर भी देखो। बाय अभी। बाय।